वैसे ना हर किसी के घर में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जिसे कद्दू, लौकी, टिंडे की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इन्हीं तीनों सब्जी में से आज मैं ना कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो एक बार आप ना ये खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो कद्दू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कच्चा हरा वाला आधा किलो कद्दू ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इसे लंबाई में काट लेंगे और इसके बाद हम कद्दू के पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दू का छिलका नहीं उतारा है, आप चाहे तो छिलका उतार कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू को पीसेस में काटने के बाद अब हम कुछ मसाले रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक तेज पत्ता ले लिया है, चार सूखी लाल मिर्च ली है, 3/4 चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और 5 से 6 काली मिर्च। अब हम इन सभी को 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब ये साबुत मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएं, हम इन्हें ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, वैसे मैंने थोड़ा सा हल्का दरदरा पाउडर बनाकर तैयार किया है। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई में लगभग 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 बड़ी चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 8 से 10 कड़ी पत्ते। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ कद्दू। कद्दू को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को भी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम सब्जी को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो हमारा कद्दू है ये 80% तक सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो कद्दू यहाँ पर अच्छे से पक गया है, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे, जैसे 2 से 3 रफली कटी हुई हरी मिर्च, जो मसाला हमने पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो स्किप कर दें। 2 छोटे टुकड़े गुड़ के ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप जितना इमली का पानी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए सब्जी को ढककर दोबारा से पका लेंगे, ताकि ये जो सारे मसाले हमने अभी ऐड किए हैं इनका फ्लेवर सब्जी के अंदर अच्छे से आ जाए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो काफ़ी अच्छे से बन के तैयार है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो अब हम सबसे लास्ट में इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और हरे धनिए को भी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ये सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है, आपके घर पे ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।